नमस्कार दोस्तों। तो अमेजन के एप्लीकेशन पे भी एक सेल चल रहा है, तो चलिए आज की सीरीज पर हम बात करते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डील के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू की तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों अमेजन के एप्लीकेशन पे भी एक सेल चल रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेल है और इसके अंदर आपको जो है डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छे लेवल का है। आप यहाँ पर देख पा रहे, सबसे पहले आपको अमेजन का एप्लीकेशन खोलना है। ये खोलने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे वन प्लस का एक और लॉन्च इवेंट आने वाला है, मतलब यहाँ पर कोई स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। आप यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरीके से बताया गया है नोटिफाई मी करने के लिए, और ये अभी अभी लाइव हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया। उसका यहाँ पर जो सेल है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। आपको यहाँ देखने को मिलता है फैब फोन फेस्ट के नाम से सेल, जो कि स्टार्ट हुआ है 10 अप्रैल को और चलेगा 14 अप्रैल तक, और इसके बीच में आपको जो है कई सारे ऐसे फोन है जिस पर डिस्काउंट ऑफर को मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आपको मिलेगा SBI बैंक के साथ डिस्काउंट जो कि 10% का, और ये डिस्काउंट है SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ। और नीचे में कई सारे स्मार्टफोन को मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे। अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग डील की बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक टाइप के फोन है जिसको मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे, जिसके अंतर्गत है वन प्लस का नॉर्ड CE2 5G स्मार्टफोन जो कि डिस्काउंट करने के बाद देने को मिलेगा 22,000 रुपए में। उसके बाद रियलमी का नार्जो 50A है जो कि डिस्काउंट करने के बाद देने को मिलेगा 9,000 में। उसके बाद रेडमी नोट 11 स्मार्टफोन है जो कि डिस्काउंट करने के बाद देने को मिलेगा 12,000 में। उसके बाद मी 11 लाइट एनी 5G स्मार्टफोन है जो कि डिस्काउंट करने के बाद देने को मिलेगा 21,000 रुपए में, जहाँ पर 5,000 का एक्सचेंज ऑफर है। उसके बाद कुछ बैंक ऑफर है। उसके बाद यहाँ पर वन प्लस 9 5G स्मार्टफोन है, इस पर भी इम्प्रेसिव टाइप का डिस्काउंट है, आप यहाँ पर देख पाओगे। बैंक ऑफर एड करने के बाद ये फोन देने को मिलता है 35,500 रुपए में, जो कि काफी सही डील हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डील के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे IQ9 SE स्मार्टफोन है जो कि आपको देने को मिलेगा काफी कम प्राइसिंग में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे प्राइसिंग कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है, लेकिन इससे पहले इसका जो प्राइसिंग था वो थोड़ा सा अलग टाइप का मेंशन किया हुआ था, इसके बारे में आपने थंबनेल पे देखा होगा। लेकिन अगर हम इस पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर को चेक करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे 3,000 का बैंक डिस्काउंट है जो कि है ICICI बैंक के साथ। उसका 1,000 का अमेजन कूपन है जो कि नीचे में आप यहां पर देख पा रहे। तो आपने यहां पर दो ऑफर के बारे में जाना IQ9 SE को लेकर। पहला है बैंक ऑफर जो कि है 3,000 का, और दूसरा है अमेजन कूपन ऑफर, और इस फोन को एक्सचेंज पर लेने पर आपको जो है कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद सेम कंडीशन IQ7 के साथ भी है कि IQ7 स्मार्टफोन पे भी उसी प्रकार का डिस्काउंट है, थोड़ा सा बैंक ऑफर है फिर एक्सचेंज ऑफर है जो कि है 4,000 का। उसके बाद IQ के जितने फोन है सही पर आपको बैंक ऑफर थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफर को मेंशन करके दिया गया है, कोई यहाँ पर इम्प्रेसिव डील नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो Mi 11X 5G स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन अभी आपको देने को मिल रहा है 28,000 में, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो, और यहाँ पर 5,000 का डिस्काउंट है अगर आप इस फोन को एक्सचेंज पर लेते हो तो। तो MI का जितना भी फोन है अमेजन या फिर मीशो के एप्लीकेशन पर सभी पर एक्सचेंज ऑफर काफी इम्प्रेसिव लेवल का है, मतलब अगर आप MI के फोन को एक्सचेंज पर लीजिएगा तो आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। और यहाँ पर वन प्लस 9 सीरीज है, इस पर भी काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। और IQ9 सीरीज के बारे में आपको बता ही दिया कि IQ9 सीरीज पे भी थोड़ा सा बैंक ऑफर है, फिर अमेजन कूपन ऑफर भी है और एक्सचेंज ऑफर भी है, और तीनों को ऐड करने के बाद आप जो है IQ9 सीरीज के स्मार्टफोन को काफी कम प्राइसिंग में बाय कर सकते हो। और यहाँ पर जो IQ कुछ डे चल रहा है वो आज ही खत्म होने वाला है, यानी 11 अप्रैल को ही एंड होने वाला है। तो ये जो IQ के लिए स्पेशल सेल था वो आज ही खत्म होने वाला है। यहाँ पे सेल काफी इम्प्रेसिव है और कुछ डील भी इम्प्रेसिव है, जैसे कि अगर हम कुछ बात करें तो बजट सेंटरिंग के जितने भी फोन है सभी पर अच्छे डील मिल रहे हैं, लेकिन जो हायर लेवल का स्मार्टफोन है उस पर इम्प्रेसिव टाइप का डिस्काउंट ऑफर नहीं है, थोड़ा सा बैंक ऑफर है और एक्सचेंज ऑफर को बढ़ चढ़ के मेंशन किया गया है, मतलब अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज करके किसी भी स्मार्टफोन को बाय करते हो तो काफी कम प्राइसिंग का पड़ सकता है। तो बस आज की वीडियो में बता रहा था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।